साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं आशुतोष व्यास, हेलो एलकेन एंड हेलो एरी सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। दोस्तों आपने इनका नाम तो सुन रखा है, क्योंकि CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम अपन ग्रीन हाउस गैसेस में इसका नाम सुनते रहते हैं कि भाई CFC। तो आज हम जानेंगे कि भाई ये CFC क्या है और मतलब अपने लिए इनके दुष्प्रभाव जानना जरूरी नहीं है, अपने लिए तो जरूरी है कि भी इनका नॉमिनिकेशन कैसे करते हैं और इनको बनाते कैसे हैं। ठीक है, फिर हम यूजेज में और इसकी बात करेंगे और इसके साइड इफेक्ट की भी अपन बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, मेथेन, समझना इस चीज को, मेथेन और एथेन की क्या है, ये फ्लोरो क्लोरो डेरिवेटिव्स, समझ गए आप क्या है ये, मेथेन और एथेन के डेरिवेटिव्स है ये। ठीक है, अब मेथेन और एथेन के डेरिवेटिव है तो अब हम इनको बनाते कैसे हैं, यानी इनकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भी इनकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, किससे करते हैं इनकी फॉर्मेशन, एथेन और मेथेन से ही तो होगी, लेकिन कैसे होगी। देखो होगा क्या, जो मेथेन है मेथेन से अपन क्या बनाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोफ्लोराइड एसिड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, ये होता है एंटीमनी, ये पेंटाक्लोराइड, ठीक है, की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रियोन। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, फ्रियोन। ठीक है, अब तो हमें क्या मिलता है, सी, ठीक है, समझ गया। तो अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो मिला हमें इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फ्रियोन 1-1। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं यार इसका ये नाम कैसे आ गया, इसको भी चर्चा करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, फ्रियोन 1-1। और अगर मैं मेथेन एथेन हेक्साक्लोराइड, क्या एथेन हेक्साक्लोराइड की रिएक्शन किससे करवाऊं, हाइड्रोजन फ्लोराइड से, किसकी प्रेजेंट में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंट में, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ठीक है। अब आप देख रहे हैं यार ये क्या है, अब इसको बोलेंगे हम फ्रियोन 1-2। ठीक है, एवं सी, क्योंकि ये ठीक है 1-1-2। ओके, और मान लो मैं इसी फ्रियोन 1-1 की फर्दर रिएक्शन करवाता हूँ आगे, ठीक है, क्या करवाता हूँ इसकी रिएक्शन में और आगे करवाता हूँ HF से, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फ्रियोन 1-2। ठीक है, ये होगी इनकी फॉर्मेशन, आप समझ गए भाई। जो मेथेन एथेन के जो नेक्स्ट वाले जो डेरिवेटिव है, ये एथेन का मेथेन का डेरिवेटिव है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड से एंटीमनी पेंटाक्लोराइड प्रेजेंट में कराऊंगा तो मुझे मिलेगा CCl3F, जिसको बोलेंगे हम फ्रियोन 1-1। और इसी के अगर मैं फर्दर रिएक्शन आगे करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, CCl2F2, इसको बोलेंगे फ्रियोन 1-2। और अगर मैं एथेन हेक्साक्लोराइड की रिएक्शन
हाइड्रोजन फ्लोराइड से एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा फ्रियोन 112। ठीक है, इनका भी बताऊंगा। आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि यार ये क्या है, ये फ्रियोन 12 क्या है। ठीक है, इसके भी चर्चा करेंगे, 12 या 12 और 112 क्या है, इसका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये पहले आप फॉर्मेशन समझ लो, समझ गया फॉर्मेशन। अब चलते हैं कि भाई इनके नोमेनक्लेचर पर, कि हम इनको फ्रियोन 11, फ्रियोन 112 एंड फ्रियोन 11 क्यों बोल रहे हैं। देखो, अब हम चलते हैं इनकी नोमेनक्लेचर पे, और मैं आपको कह रहा हूं नीट जेई के हिसाब से इनका नोमेनक्लेचर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भाई वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे देंगे या ये फॉर्मूला दे देंगे और हम ऑप्शन में पूछ लेंगे कि इनका नेम क्या है। तो देखो, अब हम चर्चा करते हैं नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर हो फ्रियोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ अपना टॉपिक, मतलब अपना कौन सा, पहले वाला। ठीक है, ऐसा करते हैं सी, या इसको ऐसे लिखते हैं। देखो, नोमेनक्लेचर करने में क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं फ्रियोन। ठीक है, ये फ्रियोन एक्स वाई जेड, या हिंदी में भी लिखता है तो ऐसे लिखते हैं फ्रियोन एक्स वाई जेड। अब आप सोच रहे हैं यार ये एक्स वाई जेड क्या, ये एक्स वाई जेड वो नंबर है जो हम लिख रहे थे। ठीक है, अब वो नंबर कहां से आता है उसको देखते हैं। देखो, तो यहां पे एक्स है, एक्स क्या है भैया, ठीक है, अगर नोट भी कर रहे हो तो कर लेना। यहां एक्स है सी माइनस वन, सॉरी सी माइनस वन, यानी कि लेस देन वन फ्रॉम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, या हिंदी में कहूं तो कार्बन संख्या से एक कम, कार्बन संख्या से एक एक कम। ठीक है, मतलब जितनी भी अपने को कार्बन संख्या दी हो उससे कितना लिखना है, यहां पे एक कम लिख देनी है। ठीक है, समझ लो। और वही यहां पे है हाइड्रोजन से, जितने हाइड्रोजन दिए हो हाइड्रोजन से एक नंबर ज्यादा। ठीक है, यानी H प्लस वन, यानी जितने हाइड्रोजन दिए हो उसमें क्या ऐड करना, प्लस वन लिख के यहां पे अपने को Y लिखना है, यानी Y वाला नंबर लिखना, कहने का मतलब। और Z का मतलब है नंबर ऑफ फ्लोराइड, ये तो जितने फ्लोराइड हो उतने ही लिखना है, फ्लोरीन, सॉरी फ्लोराइड ना बोले फ्लोरीन। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोरीन जितने भी हो। समझ गया, अब इस तीनों को समझना आराम से। ठीक है, फिर मैं एग्जाम्पल से आपको सोल्व करवाऊंगा। समझ गया, यानी एक्स क्या है, जितने भी कार्बन नंबर है उनमें से एक कम कर दो, वाई क्या है, जितने हाइड्रोजन हो उनमें एक जोड़ दो, और जेड क्या है, जितने भी फ्लोरीन हो उतने लिख दो। अब देखो, मान लो अपना पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं, कौन सा, ठीक है। अब देखो, पहले तो अपन लिखते हैं नियम के हिसाब से फ्रियोन। ठीक है, ये हिंदी में लिख देता हूं मैं, ये लो ये फ्रियोन। अब और एक्स लिखते हैं, कितने कार्बन भैया इसमें, इसमें है, ठीक है, एक्स के लिए करते हैं सबसे पहले अपन, यहां जो भी कैलकुलेशन करते हैं कितने भैया यहां नंबर, तो यहां मैं देख रहा हूं कि भैया कार्बन कितने हैं, एक, और एक से एक गया तो यानी सी बराबर है कितना, वन, तो सी माइनस वन यानी वन माइनस वन बराबर जीरो, चलो छोड़ो। अब वाई के लिए आते हैं, वाई कितने भी हाइड्रोजन, इसमें देखते एक ही हाइड्रोजन है लेकिन ये क्या कह रहा है, तो हाइड्रोजन बराबर कितने हैं, जीरो, एच प्लस वन बराबर जीरो प्लस वन यानी वन। ठीक है, जेड देखते हैं फ्लोरीन कितने भाई, सीधे सीधे से, तो यहां पे है फ्लोरीन एक, येलो एक। अब अपने को जीरो कहीं भी शो नहीं करना है, अगर किसी भी का भी जीरो आ रहा है, यानी अगर कार्बन जीरो आ रहा है तो उसे तो शो, उसे शो नहीं करना, जैसे भाई आगे अगर अपन यहां वन टू, तो इसका मतलब तो बारह ही हुआ ना। ठीक है, तो वो नहीं लिखना है, समझ रहे हो आप, आगे वाला है। तो अब अपन इसका नाम लिखेंगे फ्रियोन वन वन, या मैं इसको लिख दूं जीरो वन वन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वन वन, लेकिन अगर मैं इसको सीधा बोलूं तो फ्रियोन वन वन। समझ गए फ्रियोन वन वन कैसे आया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं, चलो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा यहाँ।
ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए अपन एक क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और उसमें अपन इनको सोल्व करते हैं। तो उससे क्या रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और एग्जाम्पल भी बहुत सारे सोल्व हो जाएंगे, ताकि ये टॉपिक यही क्लियर हो जाए, अपने को इसके लिए ज्यादा नहीं करना पड़े। तो देखो, पहले तो मैं यहां लिख देता हूं कंपाउंड कौन सा, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और ये हो गया x, x का मतलब क्या, c माइनस वन, ये हो गया y मतलब h प्लस वन, और z मतलब f, जितने भी f हो, ठीक है, और यहां उसका नेम ये लो। अब देखो, मान लो मैं वो एक अपन ने सॉल्व कर दिया, अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट सी सी एल टू एफ टू, ठीक है, और हाँ क्लोरीन यहाँ दिया हुआ है, लेकिन क्लोरीन को अपने को कहीं भी शो नहीं करना, क्योंकि वो अपने वहां पे नहीं है। तो आओ, एक्स क्या है, जीरो, ये वन और ये टू, यानी ये हो गया थ्री ओवन वन टू, ठीक है। नहीं, देखो और एक और देखो, सी टू एफ सी एल फाइव, ठीक है। अब देखो, तो ये कितना हो गया, एक एक एक, आगे देख ले, ठीक है, समझ गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, थ्री ऑन वन वन वन, ऐसे ले लो सी टू एफ और सी एल टू, ठीक है, ये हो गया वन वन फोर, यानी थ्री ऑन वन वन फोर, ठीक है, समझ चुके आप आराम से। अब क्या है, ये तो था नोमिनिकल्चर, लेकिन अब मान लो मुझे मुझे मतलब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भैया ये थ्री ऑन वन टू का मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए, तो क्या करेंगे। तो देखो, वो भी अपन यहां सीख लेते हैं। यहां कंप्लीट सीएफसी पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट का कंप्लीट इसी सेशन में ही कंप्लीट करेंगे। तो अब लिखना है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फ्रॉम इसके नेम से, ठीक है, भी नेम दिया हुआ हो। देखो, मान लो मुझे दे दिया फ्री ऑन वन वन, अब मुझे बोले कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखो, तो देखो वापिस आ जाओ एक्स वाई जेड पे, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। यहां अपने को पता है कि भाई, अगर एक बात और याद रखो, जब भी आपको अगर फ्री ऑन के आगे सिर्फ दो नंबर हो, कितने नंबर हो, देखो ये ट्रिक है, क्या है ये ट्रिक है, कि अगर दो नंबर ही हो फ्री ऑन के आगे, अगर वन वन तीन नंबर लिख रखे हैं, तब तो इसका मतलब भी इसमें कार्बन भी सो है, कार्बन कितने हैं उसमें, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं और फ्लोरीन कितने हैं। लेकिन अगर सिर्फ दो ही नंबर हो, तो सीधा सा समझ जाओगे भैया उसमें कार्बन नंबर कितने हैं, वन, ठीक है, क्योंकि अपने को नोमिनिकल्चर से पता था कि हम यहां पर क्या ले रहे हैं, सी माइनस वन, इसलिए तो यहां पे जीरो है, इसको आप ऐसे जीरो वन वन समझो, चाहे वहां पे क्या लिख रखा हो, वन वन लिख रखा हो, लेकिन आप इसे अपनी ट्रिक के लिए क्या याद रखो कि भैया ये जीरो वन वन है, ठीक है। यहां पर वन का मतलब क्या है भी, अपने को यह तो बताना है भैया एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड ये हाइड्रोजन के नंबर, ये फ्लोरीन के नंबर, तो जब यहां पे वन है हाइड्रोजन का मतलब, इसका मतलब यहां पे एच प्लस वन है, ठीक है, एच प्लस वन यानी कि यहां पे हाइड्रोजन जीरो प्लस वन आया, तभी तो यहां वन आया, ठीक है, यानी कि उसमें क्या है, हाइड्रोजन कितना है, जीरो है, जेड का मतलब यहां वन है, तो सीधा सा वन है। तो फिर पहले लिखो ऐसे सी और एफ, ठीक है, और H को भी लिख दो, एक मिनट, इनको ऐसे लिखेंगे हम, सॉरी, C H C L F, क्यों ऐसे लिख रहा हूं मैं, देखो एक नियम होता है, इनको क्या लिखते हैं अपन, वैसे H इसके आगे आना चाहिए था रूल के हिसाब से, तो यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको आगे लिखते हैं, ठीक है, जैसे अमोनिया है ना NH3, ये ऐसे नहीं होके ये ऐसे है, लेकिन शुरू से क्या साइंटिस्ट को NH3 NH3 लिखते हैं, इसलिए हम इसको NH3 लिखते हैं, लेकिन इस शरीर में ये S3N होना चाहिए। रीजन क्या है,
कि भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और फॉर्मूला लिखते समय जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको आगे लिखते हैं, ठीक है ना। तो भाई अब यहां आए, ये कितना हो गया वन, ये जीरो और ये हो गया वन। अब देखो यहां मेरा क्या है, कार्बन है, एफ कितने हैं वन, यानी कि अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है फोर, यानी भैया यहां तो सिर्फ एक ही हो रहा, यानी एक बॉन्ड ही तो बना, बाकी तीन बॉन्ड तो बाकी है, तो बाकी तीन बॉन्ड किससे बनेंगे, सदैव ही क्लोरीन से बनेंगे, क्योंकि इसका नाम ही क्लोरो फ्लोरो है, ठीक है। तो यहां पे कितने क्लोरीन है, तीन, यानी अगर नियम से देखो तो ये क्या बनेगा, CCl3F, ठीक है। ये तो मैंने आपको खुलकर बताने के लिए ऐसा लिखा, मेरे को यही पता चल गया, अभी मैं यहाँ एच नहीं भी लिखूंगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यहाँ एच है ही नहीं इसमें, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, फ्रियोन, मतलब जितने बच्चे ना वैलेंसी उसको क्लोरीन से कंप्लीट करो, फ्रियोन वन वन वन, ठीक है। देखो वापिस आ जाओ, एक्स वाई एंड जेड, अब यहां पे वन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सी माइनस वन बराबर वन, यही तो आ रहा है अब ना, इसका मतलब यही तो आ रहा है, यानी यहां पे कितना है भैया, सी टू होगा तभी तो यहां पे वन आएगा, तो येलो भैया यहां पे टू। वाई का मतलब क्या है, एक, यानी हमारा हाइड्रोजन जीरो, जेड का मतलब ये हमारा फ्लोरीन एक है, यानी सी टू सी एल और एफ वन है, तो वन लिख दिया, और इसका मतलब कितने बच रहे हैं, फाइव, समझ गया। ओके ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, लिख देखो, मैं एक और एग्जांपल करा सकता हूँ, फ्री ओ वन 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 फोर, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स कितना भी है यहाँ पे, एक आ रहा है इसका मतलब दो है, ये इसका मतलब यहाँ पे जीरो है, और ये चार है, यानी सी टू सी एल, मतलब सी एल आपको लिखना ही है साथ में, फोर, यानी कितने बच रहे हैं इसके, देखो ये ऐसे ही तो था, सी एस थ्री एक तरह से, यानी तीन तीन, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ कितना बच रहा है, दो, समझ गया, ठीक है। तो ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम इसका नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। और बताऊँ, यह आपको YouTube में कहीं कोई भी नहीं बताएगा, मैं पहले ही बोल दूं, और किसी बुक्स में भी नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में इसे पूछते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेंगे नेम से, और पूछे हुए हैं भाई, हमने भी नीट का एग्जाम दिया है, इसलिए कह रहा हूं कि पूछा हुआ है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से सोल्व कर लें, इसको सीख लें, ठीक है। अब यह तो हो गया अपना नोमेनक्लेचर, और यह हो गया अपना फॉर्मूला से, यही इसका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनके यूजेज क्या है। तो उससे पहले फ्रियोन के थोड़े से प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखो ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, और क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये चीज समझना आप। अब रिएक्टिव में ये क्या नुकसान करते हैं, इसके रिएक्टिव से देख रहा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और क्या होते हैं ये, हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, और लिक्विड होते हैं, और इनका यूज हम फ्रीज एसी इनके अंदर क्या करते हैं, कूलिंग एजेंट के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं, कूलिंग एजेंट, या हिंदी में कहते हैं तो प्रशीतक के रूप में, किसके रूप में, प्रशीतक, कूलिंग एजेंट, मतलब जो फ्रिज ठंडा कर रही है, या जो एसी जो ठंडी हवा फेंक रही है वो किसके कारण से फेंक रही, इन सीएफसी के कारण से फेंक रही है। लेकिन पहले सीएफसी का यूज होता था, आज के 10 साल पहले, अब सीएफसी का यूज नहीं होता है, उसका रीजन आगे बताऊंगा। अब नाइट्रोजन अमोनिया और बहुत सारे ऐसे कूलिंग एजेंट का यूज होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या नहीं पहुंचाए, हानि नहीं पहुंचाए, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे। तो क्या रीजन रहा कि सीएफसी को बंद किया गया, उसके यूज को बंद किया गया क्योटो प्रोटोकॉल में, मतलब 2020 तक इसको कम करने का जो समझौता हुआ था देशों के बीच, वो क्यों हुआ, या मैं कहूं कि भैया क्यों इनके यूज को बंद किया गया। तो देखो हमारा वातावरण है, या मैं कहूं कि हमारा जो वायुमंडल है वो चार भागों में बटा हुआ। पहला कौन सा है, देखो मतलब एक तो है हमारा जो नीचे वाला, एक है हमारा समताप मंडल, क्या है भैया, समताप मंडल, ठीक है, चीज को समझना।
उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में 50 किलोमीटर ऊपर, कितने ऊपर, हमारी जो वायुमंडल है उसके ऊपर क्या है? ओजोन गैस है, कुछ इस तरह से ओजोन गैस है। अब ये ओजोन गैस वहां क्यों है? ओजोन गैस क्या करती है कि जो सन से जो आने वाली यूवी रेडिएशन को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या यूवी रेडिएशन या पराबैंगनी किरणें, ठीक है, इनको क्या करती है ये धरती के जो अपना अपन जो यहाँ पर जो निवास कर रहे हैं जीव, जो अपन जीव यहाँ पे निवास कर रहे हैं, ठीक है, उन तक नहीं पहुँचने देती। अगर ये उन तक पहुँच जाए तो ये इन सब में स्किन कैंसर, त्वचा को जला देगी, स्किन को जला देगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर यूवी रेज धरती के नीचे आने लग जाए। तो ये क्या करती है? उनको नीचे नहीं आने देती, ठीक। ओके, ये इसका काम था। कहाँ है ये? स्ट्रेटोस्फेयर में। क्या है ओजोन की? क्या है? एक लेयर है, ठीक है। या ओके, तो अब आपने एक वर्ड सुना होगा ओजोन अपघटन, ठीक है, हिंदी वालों ने सुना होगा ओजोन अपघटन, और मेरे प्रिय इंग्लिश वाले विद्यार्थियों ने सुना होगा डिप्लेटेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्यों जिम्मेदार है? देखो क्या है ओजोन प्लेटेशन। ओजोन प्लेटेशन क्या है कि ओजोन की लेयर को जगह जगह से खत्म करना और यहां पे होल बना देना। क्या बना देना? होल बना देना। उससे क्या नुकसान है भैया? उनसे नुकसान है कि ये यूवी नीचे आने लग गई। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है हमारी, किसका, अर्थ का, वो बढ़ने लग गया, ठीक है। इससे ग्लोबल वार्मिंग होने लग गई। खैर ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग इससे होने लग गई। औसत टेम्परेचर धरती का हर वर्ष 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ रहा है। ओके, इससे क्या हो रहा है? इससे वर्षा की अनियमितता हो रही है, वर्षा नहीं हो रही, पानी की कमी हो रही है, जीव जंतु मर रहे हैं। टॉपिक पे आते हैं, क्यों ये ओजोन का प्लेटेशन कैसे करती है, ओजोन का अपघटन कैसे करती है। आओ देखो होता क्या है कि ये मान लो मैं एक ले लेता हूं Cl F, Fe1 1 1। इनमें क्या है भैया? इनमें है क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या करेगा? आपको पता है जो क्लोरीन है वो क्या करता है, सन की लाइट में क्या बना लेता है? फ्री रेडिकल, ठीक है। अब एक बात और समझना, अब ये कहाँ है, ये जो फ्रियोन की रिएक्शन कहाँ हो रही? इसमें कहाँ हो रही है? ओजोन लेयर के ऊपर, ठीक है। ये जो सारी रिएक्शन मैं बताऊंगा आपके, कहाँ हो रही है? ओजोन लेयर के ऊपर। क्या हुआ? Cl2 किस में बदला? CCl3 F, तो येलो किस में बदल गया? फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या किया? इसने जाके किससे रिएक्शन की? ओजोन से करे गई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, एक्टिव है, ठीक है। क्या हुआ यहां पे? यहां पे क्या हुआ? यहां पे बना अपने कुछ, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना और क्या बना? ओटो, ठीक है। अब क्लोरीन ये भी क्या है? फ्री रेडिकल। फर्दर ये फिर से रिएक्शन करेगा किससे? किससे रिएक्शन करेगा? किससे रिएक्शन करेगा भैया? ओजोन से। फिर से ये क्या देगा? फ्री रेडिकल और 2O2। यानी कि इस चीज को यहां समझना, ये मेरा क्लोरीन रेडिकल, ये इसने रिएक्शन की O3 से, क्या दिया? Cl2, फिर से उसने रिएक्शन की किससे? O3 से, क्या दिया? Cl2। यानी भैया साइकिल चलती रह रही, साइकिल चलती रह रही, और ओजोन खत्म होकर ऑक्सीजन बनती जा रही। यहां पे ऑक्सीजन, मैं कह रहा हूं जीवन रख सके अपने को चाहिए, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन ना चाहिए, हमें किसके लेयर चाहिए? ओजोन की। वो क्या हो कर रहा है? ये CFC का जो फ्री रेडिकल है वो क्या कर रहा है? उसको खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है, क्योंकि उसका तो साइकिल चल रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है।
उससे क्या हुआ, जिस जगह ये करता है, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल 1 लाख, कितने, 1 लेख ओजोन मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता हूं। उससे क्या होगा, वहां पे अपने छेद होने लग जाएगा। और जो अपना अंटार्कटिका है, अपना जो क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल है, वहां पे क्या है भैया, वहां पे है ठंड, वहां और ज्यादा एक्टिव हो गया है। और ठंड हो तो भी इसको तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, मतलब जितनी भी मैं कहूं कि क्या दशाएं हैं, स्थितियां हैं, वहां पे ये स्टेबल है। तो वहां जाके ये खासा नुकसान पहुंचा रहा है। अगस्त सितंबर के महीने में हमको क्या दिखने लग जाता है, वहां पे एक छेद दिखने लग जाता है। इसीलिए हम 16 सितंबर आ रही है, उस दिन क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस, ओजोन डे मनाते हैं उस दिन, इंटरनेशनल ओजोन डे। ठीक है, समझ गए आपके क्लोरोफ्लोरो। तो क्यों हमने क्लोरोफ्लोरो को फिर यूज करना बंद किया, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है भैया कि ये किसको जाके खत्म कर रहे हैं, ओजोन लेयर को खत्म कर रहे हैं। ओजोन लेयर खत्म होने से क्या नुकसान है, यूवी रेस धरती पर आ रही, उससे क्या हो रहा, उससे जीव जंतुओं में स्किन कैंसर बढ़ रहे हैं, उनकी स्किन बर्न हो रही है, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो रही, ऑक्सीजन की कमी हो रही तो फिर हम मर रहे हैं। मरना मनुष्यों को ही है, ह्यूमंस को मरना ही है अगर वो पोल्यूशन बढ़ाएगा तो, नुकसान ऑल ओवर उसको ही होने वाला है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, अस्थमा, दमा हो जाएगा, दमा हो जाएगा तो जिंदगी भर करते रहो, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इनहेलर लो और जिंदगी चलाओ। तो क्या ऐसी जिंदगी जीनी है, तो आप भी अगर कहीं भी फ्रिज ऐसी खरीदने जाए तो ये जरूर देख ले कि उसमें कूलिंग एजेंट के रूप में किसका यूज हुआ है, CFC का या अदर, जैसे मैं कह रहा हूँ ना अमोनिया या और भी बहुत सारे आ चुके हैं अब, तो इनका यूज हुआ तो वो वाली खरीदो। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस जागरूकता को भी बढ़ाएं कि भाई CFC वाले AC वगैरह ना खरीदें, कूल अपने रेफ्रिजरेटर ना खरीदें। तो सेशन यही कंप्लीट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।